तो ए और सब गाइस कैसे हो आप लोग। आप लोग देख रहे हैं किंग्स मैन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की हमारी वीडियो जो मैंने आपको कल बताई थी कि आज भी हमारी वही रहेगी कि हम लोग ई स्पोर्ट न्यूज़ का पार्ट टू करेंगे। तो पार्ट टू हम लेकर आ चुके हैं, तो उसमें तीन न्यूज़ रह गई थी, तो तीन न्यूज़ की सीरीज़ में हम आ चुके हैं। तो गाइस आज मैं आपको बची हुई न्यूज़ बताऊँगा, तो चलिए शुरू करते हैं। डेट हमारी निकल के आ रही है ESPL टूर्नामेंट से। तो गाइस आप सब लोगों को बाकी सारे यूट्यूबर्स ने बताया होगा, सॉरी मैंने नहीं बताया क्योंकि अभी थोड़ा मैं बिजी था यूट्यूब पर, मतलब यूट्यूब पर मुझे पता तो था लेकिन वो ग्लिच चल रहा था ना, इसीलिए मैंने अभी खुद का रजिस्ट्रेशन करने की सोची, फिर उसके बाद मैं सोच रहा था कि आपको बताऊं, लेकिन उसमें कुछ ग्लिच चीज़ चल रहे थे। तो उसके डिटेल्स तो आपको पता ही होंगे कि अब मैं डिटेल्स बताऊंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आज डिटेल्स बताऊंगा कल ग्लिच के बारे में बताऊंगा। तो अभी आप डिटेल्स अगर नहीं जानते हो तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना ESPL टूर्नामेंट हाउ टू रजिस्टर, डिटेल्स वगैरह लो। अभी मैं आपको ग्लिच के बारे में बता रहा हूँ, उसमें क्या ग्लिच चल रहा है कि आप अगर टीम इन्वाइट कर रहे हो तो उसमें इन्वाइट ही नहीं जा रही है या ऐसा कुछ। तो गाइस इसका सॉल्यूशन यहाँ पे आज मैं लेके आ चुका हूँ। तो जो हमारे AU eSport भाई हैं, आप नहीं जानते होंगे शायद, 18K सब्सक्राइबर वाले हैं, उन्होंने आज वीडियो बनाई है ESPL टूर्नामेंट में। तो उससे मुझे ही पता चला कि ESPL की जो टीम है इंडिया टुडे वाले करवा रहे हैं, तो वो डेवलपर्स जो हैं उनको ये प्रॉब्लम का वो भेज दी गई है, मतलब रिक्वेस्ट, तो वो सॉल्व कर देंगे जल्द से जल्द। तो अभी आप परेशान मत होइए, आज रजिस्टर करके देखिए, अगर नहीं हो रहा तो एक दो दिन का और वेट कर लिए, हो सकता है सही हो जाए, जहाँ तक कि आज सही हो गया होगा। ये जो AU eSport भाई है उन्होंने 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी। तो चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। तो अगली अपडेट हमारी आ रही है कि हमारा जो न्यू सर्वर है बांग्लादेश सर्वर, वो क्रिएट हो चुका है गाइस। तो बांग्लादेश सर्वर क्रिएट होने के बाद बांग्लादेशी प्लेयर को इतनी खुशी हो रही है, उनके लिए अलग इवेंट आएंगे, अलग से टॉपअप इवेंट आएंगे। तो गाइस इतने इसलिए, तो गाइस मैं आपको स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ, अगर आप प्री रजिस्टर करने पर इस पर एक टी शर्ट मिल रही है गाइस। तो इसकी संभावना है कि आगे चल के नेपाली सर्वर भी बन सकता है, लेकिन मैं इस कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, नेपाली सर्वर बन सकता है क्योंकि बांग्लादेश सर्वर किसी ने सोचा नहीं था, एकदम से करीना ने बना दिया। तो हो सकता है नेपाल सर्वर बन जाए क्योंकि नेपाल के बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो आप क्या सोचते हो उस बारे में, तो कमेंट है ज़रूर बताना। तो अगली न्यूज़ हमारी आ रही है, अगली न्यूज़ नहीं आ रही है, इसी न्यूज़ में आ रही है। तो बाकी बहुत सारे बंदों का सवाल था कि क्या बांग्लादेश सर्वर में प्री रजिस्टर करने से आपकी आईडी बैन होगी, तो जी नहीं गाइज, आपकी आईडी बैन नहीं होगी, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही है कि रजिस्टर मत करो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपकी आईडी बैन कैसे हो सकती थी। अगर आप इसमें रजिस्टर करते हो तो कई लोग सोच रहे थे कि हमारी आईडी बांग्लादेश सर्वर में चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा गाइज, वो लोकेशन से शायद करेंगे, ऐसे तो अगर वाइज कोई भी कर देगा टी शर्ट लेने के लिए, तो ऐसा नहीं है गाइज, वो शायद लोकेशन से करेंगे कुछ करेंगे। और अगर प्री रजिस्टर वाला फॉर्मूला हुआ तो वाइज मैं तो कहता हूँ गाइज मत ही करो यार, अभी कोई प्रीफर वाले ने कंफर्मेशन नहीं दी है कि बैन होगी या मतलब बैन तो नहीं होगी, चेंज होगी या नहीं होगी, इस सर्वर में रहेगी कि नहीं, तो अभी तो मैं कह रहा हूँ मत करो गाइज, नो मत करो। और जिसने भी कर लिया है वो गाइज चिंता मत लो, आपकी आईडी नहीं जाएगी, फ्री फायर वाले कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाएं क्योंकि बहुत सारे बंदे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। और अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो गाइस मत करो, ठीक है ना, कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, ठीक है ना गाइस। तो चलते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट हमारी निकल के आ रही है फेसबुक बैन की तरफ से। तो कल मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने फेसबुक को कहा था कि कुछ दिखाने के लिए, तो मैं आज उसकी पूरी जानकारी लेके आया हूँ। स्काईलॉर्ड भैया ने वीडियो बनाई है हमारे, तो स्काईलॉर्ड भैया ओपी, तो कमेंट में लगाना स्काईलॉर्ड भैया ओपी। तो स्काईलॉर्ड भैया ने वीडियो बनाई है कि क्यों ये बैन हो सकते हैं या बैन नहीं हो सकते। तो अभी स्काईलॉर्ड भैया ने बताया था कि ये जो फेसबुक इंस्टाग्राम है ये बैन नहीं होने वाले गाइस, और फेसबुक तो मैं 100% कह सकता हूँ बैन नहीं होने वाला। क्यों है, गवर्नमेंट ने फेसबुक को कहा था, क्या कहा था तो मैं आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट ने फेसबुक को कहा था एक ऐसी टीम बनाओ जो सबके मैसेजेस पर नज़र रखे, मतलब कोई उल्टा फालतू मैसेज जो करता है ना ट्विटर फेसबुक पे, वो जल्दी से जल्दी बैन हो सके, उसके लिए एक टीम बनाई जाए फेसबुक की तरफ से, अलग से अलग डिपार्टमेंट हुआ जाए, अलग टीम बनाई जाए। लेकिन इस पर रिएक्ट करने की कल लास्ट डेट थी, तो कल फेसबुक ने तो रिएक्ट कर दिया, लेकिन लास्ट डेट तो यार इंडिया में जानते हो ना, लास्ट डेट अभी भी कर सकते हैं। तो हो सकता है अभी इतनी जो छोटी सी जो चीज़ है गाइस, ये डिपार्टमेंट भी नहीं बनाएंगे,
वही कहाँ जाएंगे यार। तो मेरे ख्याल से कि इंस्टाग्राम और बाकी व्हाट्सएप वगैरह भी हाँ कर ही देंगे, क्योंकि फेसबुक ने हाँ कर दिया। तो गाइस अभी आप लोग नहीं जानते, तो फेसबुक ने 8 बजे कल हाँ कर दिया कि हाँ हम अलग से कोई टीम बना देंगे ये जो मैसेजेस और प्राइवेसी पर नज़र रखे, ठीक है ना गाइस। तो इतनी छोटी सी बात में इंस्टाग्राम मना कर देगा गाइस, इतना बड़ा मार्केट है इंडिया का गाइस, मतलब गाइस इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट है, समझ लो इनका 30% जो होता है ना पेमेंट, वो फेसबुक को इंडिया से ही मिलता है, मतलब बहुत बड़ा ऑडियंस है गाइस इंडिया का। तो फेसबुक भी ये बात जानती है, तो फेसबुक ने तो हाँ कर दिया, और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप भी ये बात जानती है, तो जल्दी से जल्दी इंस्टाग्राम और फेसबुक भी हाँ कर देंगे। तो गाइस चिंता लेने की कोई बात नहीं थी, आप लोगों ने पता नहीं क्यों इतना हाइपर ले लिया। तो अगली अपडेट की तरफ आज के गाइस, तो जो हमारे नूबरू भैया हैं आप जानते होंगे, अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी, ब्राज़ील की बहुत बड़ी स्पोर्ट टीम के टीम लीडर हैं। तो गाइस नूबरू भैया जो हैं वो अभी सिंगापुर गए हुए हैं FFWS फाइनल के लिए, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं 30 तारीख को फाइनल है उसका। तो गाइस जो नूबरू भैया हैं वो अभी भी 10-12 घंटे ट्विच पे लाइव करते हैं गाइस, मतलब यार कैसे यार, अभी स्पोर्ट के गाइस आप जानते हो कि अगर आपको थोड़ा सा भी काम होता है, जैसे मुझे तो गाइस अभी गेम टीवी का भी टूर्नामेंट खेलना होता है ना, तो भी मैं वीडियो नहीं डालता यूट्यूब पे, और भाई वो इतना बड़ा टूर्नामेंट वो आप खेल रहे हैं, और ये भी नहीं 1-2 घंटे लाइव करते हो गाइस, 12 घंटे लाइव करते हैं। तो सैल्यूट है गाइस नूबरू भैया को। तो गाइस बहुत ही बढ़िया स्पोर्ट प्लेयर है, ये दिखाता है कि इनको लेके यूट्यूब को लेके कितना सीरियस है और स्पोर्ट को लेके कितना सीरियस। तो गाइस ये 10-12 घंटे यूट्यूब कर लाइव करते हैं और बाकी के घंटे प्रैक्टिस भी करते हैं। तो गाइस समझ सकते हो आप कि उन्हें प्रैक्टिस करनी पड़ती होगी, इतने बड़े टूर्नामेंट के फाइनलिस्ट हैं गाइस। तो यही अपडेट थी, तो गाइस मिलते हैं कल की वीडियो में, और कल की वीडियो के लिए कुछ टॉपिक बताना गाइस, तो नहीं तो मैं फिर अपनी मर्ज़ी से डालूंगा। तो बाय बाय, तब तक के लिए पी।